नमस्कार, मैं शिवम और आप जुड़े हुए केडीएम एनसाइक्लोपीडिया के साथ। आज हम बात करने वाले हैं एनडीए सुपर 100 के बारे में। एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी की जो कोचिंग करवाई जाएगी फ्री के अंदर हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि फोकस इंस्टीट्यूट के अंदर होगा, जो कि चंडीगढ़ के अंदर है। उसके अंदर आपको एनडीए के अलावा और भी अलग अलग जॉब्स की कोचिंग करवाई जाएगी जो कि एनडीए से रिलेटेड होगा। इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, सबसे बड़ा ये सवाल होता है। इस वीडियो के अंदर हम ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बात करेंगे, एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में बात करेंगे, एग्ज़ाम सेटअप की बात करेंगे, एज लिमिट की बात करेंगे और इसके साथ साथ टाइमिंग की बात करेंगे जो पेपर के अकॉर्डिंग होगा, कितने टाइमिंग के अकॉर्डिंग होगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। करते हैं शुरू। सबसे पहले मैं बताता हूँ ऑनलाइन क्लास जो कि 16 अगस्त से शुरू होनी है। ऑनलाइन क्लास के बाद में 31 अगस्त को आपको उस क्लासेस के बेस्ड पर एग्ज़ाम दिया जाएगा। उस एग्ज़ाम के बाद में आपको आगे और प्रोसेस करना होगा और प्रोसेस के साथ क्या क्या होगा उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑनलाइन क्लासेस की, जो कि 16 अगस्त से चलेगी और 31 अगस्त से पहले तक ये क्लोज़ हो जाएगी और उसके बाद में एग्ज़ाम होना है 31 अगस्त को। इस एग्ज़ाम के लिए हमें कम से कम 15 दिन की कोचिंग दी जाएगी, 14 या 15 दिन की कोचिंग दी जाएगी। उस कोचिंग के बेस पर ही ये एग्ज़ाम होगा। इस एग्ज़ाम के अंदर वही क्वेश्चन आएंगे जो कोचिंग के दौरान करवाए जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसा बेसिक जो है वो बाहर से भी आएगा। वो किस तरह से आएगा वो भी इस वीडियो में हम करेंगे। इसके बाद हम पहले बात कर देते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन की, कौन पेपर दे सकता है, कौन कोचिंग ले सकता है और कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है सुपर 100 एनडीए का। एलिजिबिलिटी कंडीशन ये है इसके लिए कि वो बच्चा गवर्नमेंट स्कूल से हो, गवर्नमेंट स्कूल से यानी HBSE बोर्ड से हो, चाहे वो CBSE बोर्ड से हो, लेकिन हरियाणा के अंडर आता हो, यानी हरियाणा एजुकेशन के अंडर में आता हो, चाहे वो CBSE बोर्ड का क्यों ना हो। जैसे कि जवाहर नवोदय जो है वहाँ का भी हम देखते हैं, तो नवोदय विद्यालय जो हरियाणा के अंदर होगा वो भी इसके अंदर आ सकते हैं सुपर 100 योजना के अंदर। अब बात करेंगे एज लिमिट की। एज की क्या लिमिट है, 16 साल या 16.5 साल की उम्र होनी चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम होनी चाहिए 19.5 साल। इसका क्या प्रोसेस है वो बाद में क्लियर होगा, लेकिन सबसे पहले अगर आपकी एज लिमिट बिटवीन 16.5 to 19.5 है तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, आप कोचिंग कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि एडमिशन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले तो आपने फॉर्म भरना था जो कि आप भर चुके हो, और इसका सिलेक्शन डिपेंड करता है आपके टेस्ट के ऊपर प्लस में आपके इंटरव्यू के ऊपर। 100 बच्चों को लिया जाएगा, टोटल सीट्स 100 ही अवेलेबल है अभी तो, और कहीं भी इस योजना का शुभारंभ नहीं हुआ। सिर्फ फोकस इंस्टीट्यूट ही आपको पढ़ाएगा जो कि चंडीगढ़ के अंदर है, किसी और के अंदर अभी तक इसको अपग्रेड नहीं किया गया है, अभी तक 100 ही सीट है। तो कमेंट सेक्शन में आप पूछेंगे कि और कहीं क्या क्या इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं, तो इसका जवाब मैं पहले ही दे देता हूं। सिर्फ एक ही इसका इंस्टीट्यूट रखा गया है अब की बार, वो है फोकस इंस्टीट्यूट ऑफ चंडीगढ़ के अंदर जो कि है। रिटन टेस्ट के साथ इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के दौरान आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन का प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा, आपको मैसेज के माध्यम से बताया जाए या फिर कॉल के माध्यम से बताया जाए, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम सेटअप कैसा होगा, एग्ज़ाम सेटअप कैसे होगा। एग्ज़ाम सेटअप अलग अलग क्लास के माध्यम से होगा, यानी 11th के लिए अलग होगा और 12th के लिए अलग होगा। कैसे पेपर होगा इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इसके 2 एग्ज़ाम होने हैं, पहला एग्ज़ाम मैथ का, सेकंड एग्ज़ाम जनरल एबिलिटी का। क्या होता है बताता हूँ। मैथ का एग्ज़ाम जो होगा वो 60 मार्क्स का होगा, मैथ का एग्ज़ाम जो है 60 क्वेश्चन का होगा, यानी उसके अंदर 60 क्वेश्चन आएगा और टोटल मार्क्स होंगे 240, यानी 240 नंबर का ये पेपर होगा। अच्छा, इसके अंदर मैथ का पेपर होगा जो उसके अंदर 60 क्वेश्चन आएंगे, सारे मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी आप मल्टीपल चॉइस, यानी आप उनके अंदर से ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे
वो ऑप्शन सिलेक्ट आप तुक्के से तो कर नहीं सकते, इसलिए आपको कोचिंग दी जाएगी, क्योंकि तुक्के से तो नहीं होगा ना कुछ भी। अच्छा, इसके बाद सेकंड एग्ज़ाम होगा, वो होगा जनरल एबिलिटी का। तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, जनरल एबिलिटी को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग और साइंस एंड जीके। अगर आप 11th क्लास में हो तो ये सारा प्रोसेस 10th के बेस होगा, अगर आप 12th क्लास में हो तो ये सारा प्रोसेस 11th के बेस में होगा। 11th के बेस में क्या होगा वो बात करते हैं। 11th के बेस में होगा, जो 12th में बच्चे पढ़ रहे हैं उनका जो मैथ का पेपर होगा 60 क्वेश्चन होंगे, वो सारे के सारे 11th क्लास के बेस्ड होंगे, जो कि आपको ऑनलाइन क्लासेज में भी बताया जाएगा, और मैंने कहा कि बेस के अकॉर्डिंग भी आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे अलग से। इसके बाद होगा सेकंड पेपर वही जनरल एबिलिटी का, जो 12th के लिए होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री आएगी 11th के बेस की, रीजनिंग आएगी, जनरल इंग्लिश आएगी, और इसके साथ जो है जीके आएगी। वो सारा प्रोसेस तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, और उनका क्या प्रोसेस रहेगा मैं बता देता हूँ कि सेकंड एग्ज़ाम आपका 75 क्वेश्चंस का होगा, जिनको डिवाइड किया गया है 25 25 25, तीनों सिस्टम को 25 25 25 मार्क्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया है, जनरल इंग्लिश और रीजनिंग और जीके, और इसके अंदर साइंस भी इंक्लूड हो जाएगी। अब बात आती है लास्ट टाइमिंग की, कि टाइमिंग क्या रहेगी एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम की टाइमिंग की अगर बात करें तो जो आपका फर्स्ट एग्ज़ाम होगा मैथ का एग्ज़ाम होगा, 60 क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो किसी के बेस्ड हो, 11th हो या 12th के बेस्ड हो, ठीक है, यानी जो 12th क्लास में है चाहे वहाँ पे हो, चाहे 11th क्लास में जा रहा है वहाँ का बच्चा हो, उसका पेपर का टाइमिंग रहता है 60 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट्स, यानी डेढ़ घंटे के अंदर आपको 60 क्वेश्चन हल करने हैं, जो कि 240 नंबर के होंगे, यानी 240 मार्क्स के होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड जो जनरल एबिलिटी का होगा, 75 क्वेश्चन होंगे, उसके अंदर तीन अलग अलग फॉर्म में डिवाइड होगा, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो भी 90 मिनट का होगा, यानी डेढ़ घंटे का होगा, 300 क्वेश्चन इसके अंदर भी होंगे, यानी टोटल अगर देखें तो 540 नंबर का ये टेस्ट होना है। इसके बाद में जो बच्चे सिलेक्ट होंगे, शायद तीन गुना सिलेक्ट होंगे, 300 बच्चे सिलेक्ट होंगे, उनमें से इसके बाद में इंटरव्यू लिया जाएगा, इंटरव्यू के माध्यम से आपको लास्ट के अंदर फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी, और लिस्ट के अंदर जिसका नाम होगा उनको पहले ही बोल देता हूँ कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज के लिए सिर्फ इतना ही है, लेकिन सुपर 100 की बिग अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी, सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।